लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। एससी एसटी एक्ट में हुए बदलावों को लेकर सोमवार को भारत बंद के दौरान दलित समुदाय का गुस्सा सामने आया। इस हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर पुनर्विचार याचिका डाली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई को तैयार हो गया है। अब इस मामले की सुनवाई खुली अदालत में होगी। इस मामले की सुनवाई आज ही दोपहर 2 बजे होगी। चीफ जस्टिस ने इसके लिए जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यू ललित की अगुवाई में बेंच का गठन किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी की परिस्थिति काफ़ी मुश्किल है, ये एक तरह के इमरजेंसी जैसे हालात हैं। 10 लोग अभी तक मर चुके हैं, हजारों करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान हो गया है। इसलिए केंद्र सरकार की ये अपील कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए।